सो जी ऑल सेट टू गो। एक बार पीछे सेटअप देख लेते हैं, बैग जैकेट्स यहाँ पे सामान, और यहाँ कुछ हिडन स्पेस है, यहाँ भी काफी सारा सामान आया था। पीछे देख लेते हैं, खोलो भाई। जो है कपड़े, स्लीपिंग बैग एक्स्ट्रा डीजल के लिए, और अपना सारा सामान ले लिया। चलो जी चलते हैं, अब चलने का टाइम हो गया। लेट्स रीसेट द मीटर एक बार। फ्यूल इकोनॉमी अपनी जो भी है वो दिखा रहा है अभी पुराने के अकॉर्डिंग। ये रीसेट कर लिया है हमने, देखते हैं हाईवे पे क्या एवरेज मिलता है। उसके अलावा ये भी रीसेट कर ही देते हैं, ट्रिप भी है ना, ट्रिप ए रीसेट, ट्रिप बी भी रीसेट कर ही दो। चलो जी चला जाए, जय श्री गणेश। सामने टाइम हो गया 7:30, लेट्स गो। लाइनअप रेडी है, जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा बरोक के लिए। ये धर्मेश भाई की गाड़ी आईसुजू 4-व्हील ड्राइव, ये अपनी, ये मेहुल भाई की, एंड हेयर इज गौरव भाई, ये इनकी थार, ओवर लैंडिंग सेटअप प्योर, लेट्स गो। तो जी अभी हम लोग निकल चुके हैं पंचकुला के लिए, वहाँ से एक और हमारे साथ में सर हैं, उनको पिक करके या वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, एंड देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आज हम लोग जाएंगे बरोग। ये शिमला से पहले पड़ता है, चंडीगढ़ के पास, तो आज हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। बस आधे घंटे में आई थिंक पंचकुले पहुँच जाएंगे हम, और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे बरोग के लिए। रोड काफ़ी अच्छा है इसमें, हम लोगों को आगे अम्बाला जाना ही नहीं पड़ा, उससे पहले ही आई थिंक कुरुक्षेत्र के आगे ही एक राइट कट था जो कि सीधा पंचकुले को जा रहा था जी। तो जी पहुंच गए हैं अपने दिन की पहली लोकेशन पे। एक बार रूम दिखा देता हूँ लोकेशन, ये आई थिंक एयरबीएनबी है, दिस इज द रूम। यहाँ से पता नहीं कैसा ठीक है, पहाड़ों का लुक है, बढ़िया है, स्टे तो ठीक लग रहा है, और वाह काफ़ी अच्छा व्यू होगा आई होप यहाँ। बाकी नीचे चल के एक बार कॉन्वॉय दिखा लेते हैं, कौन कौन से व्हीकल्स आए हैं, मोस्टली महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ से भी बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यार, नाइस। ये है जी अपना कन्वॉय, यहाँ से शुरू है हरियाणा की गड्डियाँ, ये दिल्ली की है, एंडेवर सुजुकी क्रॉस, ये अपनी खड़ी। तुम सबने ले ली क्या अपनी अपनी स्नो चेन? अच्छा तुमने अपनी लिया, ओके मैं ले लेता हूँ यार फिर फटाफट। चलो जी स्नो चेन ट्राई करते हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग आगे निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, देखते हैं आज कैसे नज़ारे आते हैं। कल तो ठीक ठीक लग रहे थे, तो पर्दा हटाया जाए। ये ओहो नज़ारे अच्छे हैं भाई।
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सनराइज अभी हुआ नहीं है? दिखाता हूँ उनको, बहुत प्यारा सनराइज है। चलो चलते हैं नीचे, देख के आते हैं, बहुत प्यारा सनराइज है यार। चलो 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 गुड मॉर्निंग। तो एक बार लाइनअप दिखा देते हैं कल रात को जिन गाड़ियों ने हमें ज्वाइन किया है। दिस इज फॉर्च्यूनर विद आफ्टर मार्केट बम्पर एंड विंच एंड आई थिंक फॉग लाइट एंड ऑल दैट स्टफ। काफ़ी उठी हुई गाड़ी है ये तो, आई थिंक थोड़ा सा राइज भी करी हुई है नीचे से। एक नंबर लग रही है, बहुत ज़बरदस्त बुल लग रही है ये पजैरो, ओल्ड पजैरो, न्यू टायर्स लग रहे हैं देखने में तो ज़बरदस्त। ये इधर अपनी खड़ी हैं और ये अपनी स्नो चेन्स, बहुत हैवी हैं उठाने में बट काम आएंगी। ये लाइनअप बाकी का, ये तरुण भाई की गाड़ी, स्मॉल टाउन राइडर, नहीं उनकी गाड़ी नहीं है, वो अपनी गाड़ी नहीं लाए हैं इस बार, अपने फ्रेंड की थार में आए हैं। तो ये जम्मू से ये 4x4 इसुजुवी क्रॉस, ओहो एक नंबर। इसुजु मक्स वी मक्स एंड चलिए जी रेडी होते हैं। तो ये जी हमारा लाइनअप जाता हुआ, टाइम टू रोल इन। यहाँ वार्म अप हो रही है गाड़ी, टाइम टू गो। इधर तरुण भाई स्मॉल टाइम रोड है, आप जानते होंगे। सो लेट्स मूव ऑन। और जी टेम्परेचर इस टाइम आई थिंक हो रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। चलिए जी चलने की करते हैं तैयारी, लेट्स गो। अपना लाइनअप शुरू हुआ है, जैसे भी DCV एक्सपीडिशन है तो भाई की, दिनेश भाई की गाड़ी सबसे आगे, और ये जम्मू के अपने भाई, उनकी थार है। और लाइनअप में ये सबसे अल्टीमेट व्हीकल लगा अभी तक का मुझे। भाई जी ये भी जम्मू से हैं, इसका तो भैया मतलब फ्रंट का बम्पर एंड पूरा ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस, ओ हो हो लाजवाब। और पजैरो हमारे पास यहाँ लाइनअप में है, और ओल्ड पजैरो वो भी फॉर्च्यूनर फोर व्हील ड्राइव, आई थिंक ये 3 लीटर है शायद से, हाँ 3 लीटर है। और ये ऑल व्हील ड्राइव XUV, तो जो अपने लाइनअप की सबसे खास बात है ये है कि मिक्स्ड व्हीकल्स हैं, ऐसा नहीं कि खाली थार का ही है। इसमें आपको इसुजु भी मिलेगी, XUV ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगी, पजैरो भी मिलेगी, फॉर्च्यूनर, और डॉक्टर साहब अपने एंड ये भी डॉक्टर साहब की गाड़ी है। एंड पीछे अपनी इसुजु वी मैक्स आई थिंक, और ये तो अपनी गाड़ी है ही। बाकी लोकेश भाई की अपनी थार, नई थार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी आगे चलते हैं, अभी और व्हीकल्स आ रहे हैं पीछे से। तो अभी इस टाइम है हम लोग बरोग में, और आई थिंक 9 घंटे की जर्नी रहेगी, तो मिलते हैं आगे। तो जी लाइनअप तैयार है आगे जाने के लिए, कुछ गाड़ियां रिफ्यूल हो गई हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। और मेरे साथ ज्वाइन किया है समीर भाई ने, ये मकैनिक हैं लेकिन ये स्टूडेंट भी हैं, अभी 12th में है। तो भाई ने सबसे अच्छा काम ये किया कि प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया, 2 साल इसने काम करा है गाड़ियों पे, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा है कि जिसमें मैं रिलाय कर सकता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है गाड़ी चलाते हुए। और देखेंगे आगे जितनी नॉलेज शेयर हो सकती है उतनी नॉलेज शेयर करेंगे। भाई ने अच्छा खासा गाड़ियों पे
एक्सपीरियंस लिया है और भाई का जो प्लान है आगे जाके बिजनेस शुरू करने का है, प्रॉपर वाला बिजनेस, और उनका फोकस क्लियर है। तो भाई को ऑल द बेस्ट है आगे के लिए, और मैं चाहूँगा और भी लोग जो इनकी एज के हैं वो इनसे सीखें कि भैया अपनी लाइफ में गोल सेट करो, आगे बढ़ो और सीखो चीज़ों को, लर्न करो उनसे जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो। तो जी आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, आज पूरे दिन धूप रहेगी लेकिन जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ तक ठंड हो जाएगी काफ़ी। साइड में चिल्लो नागी डांस करेगी कैसी लग रही थी कार नंबर 14 अब नहीं भाई भैया गाड़ी खोल दो। आपने देखा था अभी क्या हुआ मेरे साथ, जो स्लो है उनको कॉन्वॉय से पीछे कर देंगे और स्वीप आपको सपोर्ट करेगा पीछे पीछे। हमारे साथ में कौन था, 6 नंबर गाड़ी पजेरो, पजेरो अपने सामने वाले की बताओ जिसको जिसको फील हो रहा है, सामने वो आगे थे, उसको फील हो रहा है ना, जिसको फील हो रहा है टेल एक बार कम्युनिकेट करते कि मैं लास्ट में आ रहा हूं। अगर उसको प्रॉब्लम है, उसको लोग चलना चाहता है, अगर उसको मजबूरी है किसी के मतलब प्रेशर में आके चलना पड़ रहा है पीछे वो भी जरूरी है। तो जी हमारा कन्वॉय एक शॉर्ट ब्रेक लेता हुआ, थोड़ी सी और ब्रीफिंग और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी काफी लंबी जर्नी बची हुई है, हम यहाँ कहीं तो नारकंडा के आगे रुके हुए हैं, सो लेट्स मूव ऑन।
जी हम हैं किन्नौर में, किन्नौर में घुस चुके हैं, क्लिफ हैंगर्स जो है यहाँ पे, क्लिफ हैंगर्स को क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं जी कल्पा, और आई थिंक 50 किलोमीटर लगभग रह गया होगा शायद कल्पा भी यहाँ से, शायद से। अच्छा, बाकी रोड बड़ा खराब है और वाह खराब है। ओए होए आगे नजारे देखो, धूप पड़ रही है आधे पहाड़ पे, छाव है आधे पहाड़ पे, धूप है। ये है वो जगह, मेरे को अच्छे से याद है, ये है वो जगह जहाँ पे मेरी बाइक तो अपने आप रुक गई थी। ये यहाँ से नीचे उतरेंगे ना, यहाँ पे बाइक अपने आप रुक गई थी, गाड़ी मैंने टेस्ट नहीं करी। अगर तुम्हें को एग्जैक्ट पॉइंट याद आ गया तो गाड़ी भी टेस्ट कर लेंगे न्यूट्रल पे डाल के, हालांकि न्यूट्रल पे डालनी चाहिए, बट अगर मेरे को लगा कि हाँ ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है, क्योंकि इतना तो मेरे को याद है कि लगभग ऐसा सही है कुछ। तो जी हम लोग रुक गए हैं कल्पा पहुंचने वाले, यहाँ पे पेट्रोल जो है फ्यूल अप करवा लिया सारी गाड़ियों का, ये हमारा लाइनअप है, ये सारा लाइनअप वेट कर रहा है। बस 16 किलोमीटर रह गया कल्पा, तो जी बस गाड़ियाँ रिफ्यूल हो चुकी हैं। चलो जी रोल इन लेट्स गो। तो जी हम पहुंच चुके हैं कल्पा, और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का बड़ा इशू है कि जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे जैसे तैसे हम लोगों ने दबा के लगाई है। मैंने तो यहाँ पीछे ही कहीं लगा दी है बर्फ में, जितनी हो सके उतनी दबा के, बाकी जितना भी कॉन्वॉय है वो आई थिंक आगे लगा चुके हैं अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि हम लोग अपना रास्ता भटक गए थे थोड़ा, या ये कह लो कि गूगल मैप्स ने भटका दिया, उसने गली में ले गया, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, इधर बर्फ उधर बर्फ, तो सड़कों पे ही कार पार्क हो रखी है। तो जी ये होटल, भाई साहब जूतों में चिप चिप हो रही है जूतों में, मतलब नीचे स्नो की पपड़ी जमी हुई है, लेयर है जो जूतों में चिपक रही है। ओ भाई साहब ये अपना होटल वाइट नेस्ट पीछे, यार मेरे को जहाँ जगह दिखी मैंने दबा दी, ठीक है सही से दबा दी, दवाई तो सही से है एकदम, रोड खाली खाली है, हाँ रोड का कोई टेंशन नहीं है, दूर है। होटल कौन सा अपना, एक नीचे एक ऊपर है, अरे दो होटल है, हाँ सुनो बैक चला लो जी। तो जी ठंड बहुत है और सवेरा हो गया है, वाह ठंड है, तो अभी आपको सवेरे के नज़ारे दिखा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेटे, वैसे तो हीटिंग बेड है बट स्टिल मेरे को तो काफ़ी सर्दी लगी। यहाँ हमारे साथ हैं जम्मू से स्पेशल स्मॉल टाउन राइडर भैया जी, तरुण भाई, कैसी लग रही है भैया अभी तक ट्रिप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ ये हाल है तो आगे क्या होगा, वाह वाह फट्टे चुकोगे आगे तो। चलो ये देखते हैं, इसी के लिए आए हैं यहाँ पे। तो अभी हम बाहर आपको सामने किन्नर कैलाश रेंज देखते हैं कैसी दिख रही है। A1 ओए होए होता है ना वो जो अपना क्या बोलते हैं मैक का वॉलपेपर, वैसे नज़ारे हो रखे हैं यहाँ पे, मतलब एक नंबर नज़ारे। ओए होए होए एक नंबर जी एक नंबर। तो जी पार्किंग से बाहर निकलती हुई गाड़ी, दिनेश भाई रिकवर कर रहे हैं, ये सामने किसी ने स्नो वाला शिवलिंग बनाया हुआ बहुत प्यारा सा, ये हमारे किसी गुजरात से आए हुए भाई की गाड़ी है। तो ये पार्किंग ऐसी है देखो, बर्फ वाली पार्किंग, नज़ारे क्या बात है क्या बात है। आ गई बाहर जी A1, हमने भी अपनी गाड़ी जो है
ऑन छोड़ रखी है थोड़ी देर के लिए वार्म अप होने के लिए, तो जी वहाँ चलते हैं एक बार गाड़ी देख के आए गाड़ी के क्या हाल हैं। यहाँ हमारे विक्की भाई धूप का आनंद लेते हुए ड्रोन उड़ा रहे हैं आई थिंक। ओह नाइस, दिस इज लोकेश सोलंकी प्रो ड्राइवर। प्रो ड्राइवर हैं अभी पजामा पहनते हुए। तो जी एक बार गाड़ी देखा है अपनी, काफी आगे लगाई है क्योंकि जगह की बहुत बहुत कमी थी। आई थिंक स्टार्ट ही है ये, तो इंजन की जो नॉइज है क्रैंक की वो पहले शुरू में काफी गड़गड़ गड़गड़ करके आ रही थी और अब नॉर्मल हो गई है। तो आई थिंक अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ इसको क्योंकि अब ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर आई गेस शुरू में अभी सुबह सुबह तो था -2 था, अभी आई थिंक 0°C हो गया। तो चलिए लेट्स गो, आगे मिलते हैं। चलो जी सारे सारे इधर, हैप्पी एनिवर्सरी टू मंदी भाई जी एंड हिज वाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, अटैक। हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट नाको, यहाँ हम लोग रुके हैं लंच करने और ये नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत ही फर्स्ट क्लास नज़ारे। और यहाँ पे हमारा लाइनअप है, पूरा कॉन्वॉय खड़ा है, हेलीपैड है आई थिंक, ये कोई हेलीपैड एच लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के आगे निकलेंगे, नाको लेक देखने शायद जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे काजा के लिए। तो जी ये है अपडेट अभी तक का जी, अल्टीमेट कॉन्वॉय का बड़ा मज़ा आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी ठीक ठाक हो रहा है, वैरायटी ऑफ कार्स हैं ये अच्छी चीज़ है, बस जिप्सी या गुरखा टाइप कोई आई नहीं, बट अदरवाइज ऑल गुड। पहुंचने वाले हैं तो यहाँ पे होगी घनी स्नो, ठीक है, तो इस चक्कर में सारे लोग टायर प्रेशर कर रहे हैं कम, 20-22 के आसपास सेट कर रहे हैं क्योंकि आगे तो गाड़ी नाचेगी नहीं। तो हमारे लीडर ने हमें बताया कि भाई स्नो वाला एरिया है और वही सामने जो सूरज है जहाँ वो ढला वहाँ हालत ख़राब होनी शुरू। तो भाई हमारे सेट है, उसका गिर दिया,
ये अपनी हुई, हमने कर दी है। बाकी लोग जो पीछे कन्वॉय में हैं वो कर रहे हैं, एक एक करके जैसे ही सबकी हो जाती है रोल इन करेंगे। नज़ारे एक नंबर है भाई, हो नज़ारे एक नंबर हैं। और नीचे जमी हुई है पूरी बर्फ की सिल्लियाँ, बड़ा देख देख के कदम रखना पड़ रहा है। ये पजेरो वाले भाई साहब, एंजॉय एंजॉय द एड्स, प्रीमियम लो वो कह रहे हैं। ये विक्की भाई अपनी हवा कम करते हुए, बोला अपनी नहीं अपनी गाड़ी की, सॉरी हवा तो सभी की टाइट हो रही है यहाँ पे वैसे, बट एंजॉय पूरा हो रहा भाई, एक नंबर। जब तक सनलाइट है तब तक एंजॉय है, जैसे सनलाइट नीचे तो जी खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 शुरू। और मैंने भी अभी जूते दूसरे वाले ही पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज। तो जी हम पहुंच गए हैं काजा थोड़ी देर पहले, लगभग 5-10 मिनट पहले, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। तो गाड़ियां काफी सारी हैं तो इसलिए जाम सा लग गया है। टाइम हो गया है 6:30 और यहाँ पे टेम्परेचर जो दिखा रहा है फिलहाल, इस टाइम करंट टेम्परेचर दिखा रहा है -9। ओ भाई 6:30 बजे -9 है तो आई डोंट नो कि रात को कितना जाएगा, और आज वो टेम्परेचर होगा जब हमें शायद से तरपाल वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं तो इंजन सीज हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे बेसिकली। इंजन नहीं सॉरी टैंक, बेसिकली डीजल फ्रीज हो सकता है वगैरह वगैरह, कूलेंट वगैरह जो होगा नॉन स्टॉक वो फ्रीज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो जी ये अपना स्टे है, होम स्टे। होम स्टे में हम लोगों को एक रूम मिला है जहाँ पे हम लोग 3 लोग सो रहे हैं भाई लोग। ये नीचे आई डोंट मतलब मेरे को लग रहा है कि डबल लेयरिंग कर रखी है और उसके ऊपर फिर ट्रिपल लेयरिंग और है। क्यों जी? क्योंकि -15 -18 इतना टेम्परेचर जा रहा है, और यहाँ पे जी हीटर वीटर लगा रखा है। ठीक है जी, ये हिसाब किताब है अपना। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर के नज़ारे दिखाते हैं रात के पहाड़ों के। ये है अपने होम स्टे से बाहर का नज़ारा, और इस टाइम मेरे ख्याल से बज रहे हैं 1:00, और मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं उठ के बैठा हूँ। दिमाग क्या ख़राब है यार, दवाइयाँ वगैरह ले रहे थे, गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे थे, बिजी थे। तो ये है रात के नज़ारे स्पीति के। यहाँ पे डॉग भाई साहब आराम कर रहे हैं। अभी हमें शायद फिर से 4 घंटे बाद उठना पड़े अपनी गाड़ियों को दोबारा से क्रैंक करने के लिए, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ हैं और एंटी फ्रीज कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ना के बराबरी काम करेंगे इधर, तो गाड़ियाँ ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तो नहीं तो वो जम जाएगा और फिर कल का ट्रिप एकदम फुस हो जाएगा। तो जी चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि अब बहुत ठंड है, -15 होगा यहाँ पे। सो लेट्स गो। तो जी सवेरा हो गया है काजा में, और अब हम जा रहे हैं अपने डीजल व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सी क्या सीन है बाहर। अरे बाप रे बाप, ये तो रेगिस्तान बना हुआ बर्फ का। हाँ कोल्ड डेजर्ट टाइप बर्फ का रेगिस्तान। चलिए जी ये बंद कर देते हैं, नहीं तो ठंड हो जाएगी, बाकियों को ठंड लगेगी। तो ये जी नज़ारे, और भाई साहब टेम्परेचर, ओह एक नंबर नज़ारे हैं जी। मतलब टेम्परेचर हो रखा है -21 -21। ओ भाई
cannot imagine that. भाई हवा लग रही है, वैसे टोपी मैंने पहन रखी है बड़ा। तो जी पॉइंट ये है, डीजल गाड़ियां पता ही होगा स्टार्ट नहीं होती हैं इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में, बट लेट्स सी कि हमारा BS6 या गाड़ी की इंजीनियरिंग क्या कमाल दिखाती है। भाई की पजेरो पूरी रात स्टार्ट है, देखो अंदर कोई नहीं है इसमें, पूरी रात से स्टार्ट है ये अपनी कोहली जी की। हो गई स्टार्ट सिंगल शॉट में, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चलो हीटर लो, मैं भी जाता हूँ जरा। तो कोहली जी की स्टार्ट हो गई है और अब तरपाल तो मैंने भी देखो लगाया ही था, ये भाई की है बेंजामिन भाई की, ये भी स्टार्ट है। ओ ग्रेट, आई होप भाई मेरे हाथ जम रहे हैं, नीरे मतलब कभी हम भी ये किसी का आईफोन गिर गया बेचारे का। अंदर बैठ लो भाई पहले, और तो और मेरी गाड़ियों के दरवाजे जाम हो गए, पीछे बर्फ जम गई दरवाजों में। शिट, ठीक है -11 दिखा रहा है, -11। ग्लो प्लग बड़ा टाइम ले रहा है जाने में, गया। अब मैं एक बार दोबारा इसको ऑफ करूंगा और दोबारा एक बार ऑन करते हैं। ठीक है, टाइम बड़ा ले रहा है ग्लो प्लग जाने में, टाइम हीटर लग गया है। अब चलो जी, जय श्री गणेश। सो स्मूथ, अभी नहीं हुई नहीं, अभी तो हाँ टाइम लेगी, RPM देखो ना कितना चढ़ा हुआ है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब जो मेरे को डर था नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने बोला उनकी स्टार्ट हो गई, तो मेरे को लगा कि यार अपनी भी हो ही जाएगी फिर तो। चलिए जब बंद करते, मेरे हाथ बर्फ बन लिए हैं, आ रहे हैं स्पीति के, विंटर स्पीति के। हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, एक ही बार में स्टार्ट हो गई है। यहाँ ये देखो ट्रक का क्या हाल है, तो वार्म अप हो गई है गाड़ी, अब जा रहे हैं वापस और थोड़ी देर बाद फिर आएंगे जब जाना होगा आगे, तब थोड़ी सी और वार्म अप कर लेंगे इसको। धूप आनी शुरू हो गई परले पहाड़ पे, लेकिन यहाँ तक आने में टाइम लगेगी, तो चलते हैं जी वापस। ओल्ड पजेरो जो भी है ना, एक ये और एक हमारे ग्रुप में भी एक आई हुई है, दोनों भाई को रात को स्टार्ट करके रखनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो भाई ने क्या करा, GPS वगैरह लगा दिया उसमें, लॉक करके गाड़ी रात को खुली छोड़ दी, स्टार्टेड। दिस वाज द टेंजिन, तो जी ये टेंजिन होम स्टे है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं फिलहाल। चलिए जी, लिए हैं कित, तो ये हम जा रहे हैं किम, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा क्या है पोस्ट ऑफिस, सबसे हाई अल्टीट्यूड पे जो है। और यहाँ देखा जाए स्नो कितनी है, स्नो गेटर्स टेस्ट किए जाए, अरे यही तो करने आए हैं, स्नोगेटर्स का यूज तो करें।
वैष्णो गेट का। अरे देखो आप, पता तो चले है कितनी। हो कामयाब है यार, पहुंच गए हैं कॉमिक और यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट जो कि बंद पड़ा हुआ है और हवा वावा तेज चल रही है। ये मेहुल भाई की थार, ये सारा अपना कॉन्वॉय गाड़ी पार्क करी हुई है। सामने आई थिंक मोनेस्ट्री है, वो पता नहीं खुली है कि बंद है, बट अभी हमारा लंच तैयार हो रहा है, हम लोग नीचे से लेके आए हैं, यहाँ पे अब कुक करेंगे। तो कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और कुछ टाटा सुमो और इनोवा भी आई हुई है। ये अपना कॉन्वॉय है मोटा मोटा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग डिस्कस करते हुए, प्रेम भाई, दिनेश भाई, हर कोई। तो जी ये है नज़ारे। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मतलब हिम्मत तो नहीं हो रही, बट जितने नज़ारे हैं फिर उतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो चलिए जी अंदर बैठते हैं थोड़ी देर अब। राजमा चावल की जी तैयारी हो रही है, कॉमिक मोनेस्ट्री अभी आई थिंक क्लोज्ड है पूरे। भूख लगी है जोरों शोरों की। तो दोस्तों अगर आपको सामने दिखाई दे तो वो किसी टाइप का तूफान है, इट सीम्स टू बी अ स्नो स्टॉर्म, और सामने स्नोफॉल हो रहा है एक्चुअली में, और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पे स्मॉल टाउन राइडर भाई भी हैं हमारे साथ, ही हैज जॉइंड मी ऑन द वे बैक टू काजा। और ऊपर नज़ारे जबरदस्त, मतलब ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि कल सुबह हमें अपनी गाड़ियों के ऊपर बर्फ की चादर ढकी हुई मिले और मेहनत बढ़ जाएगी। तो स्नोफॉल गिरते हुए और हम उसका मजा लेते हुए तो आगे बढ़ते हैं। तो जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि लाइफ का फर्स्ट गुड वाला स्नोफॉल देखने को मिल गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर जहाँ हम थे वहाँ पे बहुत ही हल्का ना के बराबर स्नोफॉल था, अभी एकदम ऑलमोस्ट तगड़ा वाला स्नोफॉल शुरू हो चुका है यहाँ काजा में, और ये गाड़ी पे बर्फ जमनी शुरू हो गई है स्नो। तो इसलिए हमने फटाफट अभी क्या करा कि तिरपाल भी इस पे चढ़ा दिया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि सुबह तक हो सकता है ये गाड़ी जो है हमारे को बर्फ से ढकी हुई मिले। तो बाकी आज ये हाल हो गए हैं गाड़ी के ऑलमोस्ट, मतलब मुझे नहीं पता ये तो ब्रेक का काम कर रहा होगा इस टाइम, ये हाल है इस टाइम। ये देखो आगे, ओ भाई हाँ जी स्नोफॉल हो गई, मजा आ गया। मेरे लिए तो बड़ा मस्त है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। नहीं तो ऊपर रुक गया था पोस्ट ऑफिस पे, हाँ बताया मैंने, रुका मैं फिर वापस ऊपर गया था जहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत तेज हो गई। अच्छा जो स्पीड से अभी यहाँ पे हो रही है, उतना गर्म वहाँ पे हो रही थी, उसका रोड नहीं दिखी मुझे। ओ भाई वो तो तूने तो रिस्क ले लिया भाई, फिर वो ऐसे रिस्क मत लिया अगर भाई। अभी ये तू देखना इस पे स्नो जमनी शुरू हो गई है, तुझे क्या लगता है सुबह तक क्या होगा? मेरी गाड़ी को देख के आ एक बार, स्नो हर जगह में, मेरे पूरे जो पैडल्स भरे हुए हैं मेरे, कोई नहीं यहाँ से मेरा पूरा टायर नहीं हो गया। तो पीछे देखना मेरा पीछे देख क्या हाल हो रखा है, मेरे यहाँ तक स्नो आ गया। अच्छा तेरे आगे वाली साइड गया था तू? वो देखना उधर था अभी वहाँ ऊपर, पता नहीं भाई मैं चल रहा हूँ अंदर, अब हालत खराब हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि बहुत ही कड़ा स्नोफॉल शुरू हो गया है, और इतना कड़ा कि कल सुबह तक सब कुछ वाइट वाइट हो जाएगा। यहाँ पे सामने जो है अभी पूरा वाइट, वहाँ पे सुबह तक कुछ ना कुछ दिख रहा था, विजिबिलिटी थी, अभी पूरा स्नो स्टॉर्म से यहाँ पे कवर हो गया है, और इतना तेज है जबरदस्त चल रहा है। सुबह तक आई एम प्रेटी श्योर कि गाड़ियाँ जो हैं वो दिखेंगी भी नहीं कहाँ लगी हुई हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्नो से ढक जाएंगी। और इसमें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बात यह है कि अभी हम लोगों को गाड़ियाँ फिर से स्टार्ट करने जाना होगा रात को, नहीं तो मॉर्निंग में फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी डीजल कार्स के लिए,
एंड बेसिकली यही अपडेट है। तो बाकी देखते हैं, रात को हो सकता है और ज़्यादा माइनस में जाए टेम्परेचर, हो सकता है। कल तो -21 था, 21 गया, -21 आज पता नहीं कितना जाएगा। सो लेट्स सी, अभी तो एंजॉय हो रहा स्नोफॉल का, कल देखते हैं जी। हो बहुत कैड़ा स्नोफॉल है, मतलब वो देखो, मतलब कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, पूरा पीछे जो पहाड़ वगैरह सब गायब है इस टाइम। वाह स्नोफॉल। चलिए जी बहुत हो गया, अंदर चलते हैं, हालत खराब हो रही है। ये है जी अपना टेंजिन होम स्टे। तो जी सवेरा हो गया है, कल स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया था और आई थिंक सामने अभी भी स्नोफॉल शुरू है, मतलब बंद नहीं हुआ है। तो देखते हैं। ओ माय गॉड, अबे भाई, ओहो स्नोफॉल अभी भी चालू है, शिट। तो यहाँ पे कल बिल्कुल ही पतली पतली जो परत थी वो यहाँ पे अब बिल्कुल ही भर चुकी है और आई थिंक मुझे स्नो वाले शूज़ पहनने पड़ेंगे एंड स्नो गेटर्स भी, रेदर देन कि मैं चप्पलों में जाऊँ गाड़ी तक और गाड़ी को स्टार्ट करूँ। बट नज़ारे बदल गए हैं, पूरा स्नो हो गया अब और आई डोंट नो कितने फीट की गिरी होगी, इधर तो कम ही लग रही है। तो जी चलो शूज़ पहनते हैं और चलते हैं, गाड़ी देख के आते हैं, गाड़ी को स्टार्ट भी करते हैं। स्नो गेटर्स तो हमने नहीं पहने हैं क्योंकि स्नो ठीक ठीक ही लग रहा है, शूज़ पहन लिए हैं बट मुझे लग रहा है गाड़ियों की हालत वही होगी जो सोची थी। आज हमारा वाइपर काम आएगा, एज एन हैंड वाइपर। ओ शिट भाई, बहुत स्नो है यहाँ तो। पजारो स्टार्टेड है भाई की, ये विकी भाई की गाड़ी, लाल से सफेद होते हुए। ये कोहली भाई की गाड़ी में पीछे स्पेशली नया उन्होंने टॉप लगवाया है, जैसे इसुजी में पीछे रिमूवेबल हो जाता है वैसा कुछ लग रहा है। और इधर अपनी पब्लिक खड़ी हुई है, नज़ारे मस्त। हाँ अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मेरे को ठंड लग गई रात को यार। कल लगाया था मुझे लगा आप शायद इसलिए पूछ रहे कि उतर गया। ओ तो जी देखते हैं। ये अपनी गाड़ी, इसका भी जंगल बैल हो लिया। ओ भाई ये तो नीरी बर्फ चढ़ गई इस पे। ओ तेरी, और ये रुकी नहीं है अभी तक, अभी भी हो रही है। फर्स्ट रैंक के लिए पहले हम लोग थोड़ी सी गर्म तो कर ही लेते हैं, ऑन करते हैं। -5 टेम्परेचर दिखा रहा है, ग्लो प्लग जोन हो गए हैं, ऑफ हो गया। एक बार और कर लेता हूँ, है ना। अरे वो हीटर तब कर लेते हैं आराम से एक दो बार। अरे ये तो सिंपल ऑन सी हीटर थोड़ी ना लेगा, हीटर तभी लेगा जब तुम ब्रेक मारोगे। ना, वो जल तो रहा था अभी, देखो फिर जला। अब कर ही देता हूँ यार, इतना भी क्या हो गया, दो में ही शुरू कर लेंगे। -4 आपके सामने टेम्परेचर है, लेट्स सी। जय श्री गणेश। नहीं हुई भाई। लेट मी ट्राई इट वंस अगेन, नहीं हो रही। एक दो बार और
सोच रहा हूँ ग्लो प्लग यार, लेकिन कल -21 तक गया था तब तो हो गई, आज इसको क्या हो गया? ये भी सोचने वाली बात है। एक बार और ऑन कर देते हैं, ठीक है ऑफ। बट वैसे शुरू तो उसने करी थी, वो खांसी तो हुई थी इसको भी थोड़ी सी। चलो जी, जय श्री गणेश। और ये हो गया स्टार्ट, वो एक्चुअली होता ना? नहीं नहीं, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, हो गई। हाँ हाँ हाँ, हो गई। सो अब इसको वार्म अप होने देते हैं। बहुत बढ़िया। हलवे की तरह उतर रही है भाई, रुई है मतलब। ये तो चिपक गई है तगड़ी। स्नो चल ही रही है, अभी भी बंद नहीं हुई है, कल शाम जो शुरू हुई है। एक घंटे बाद फिर से थोड़ा कुछ ना कुछ तो आके करना पड़ेगा साहब, थक जाओगे। आ साफ नहीं हो रही। भाई आसान नहीं है यहाँ पर लाइफ। भाई हालत खराब है, बाकी बाद में करते हैं। सो दिस इज अवर रेड एम स्टैलियन पेट्रोल, तो अभी इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे तो एक्सपेक्टेशन साफ हैं कि ये कोई भी दिक्कत नहीं लेगी शुरू होने में, बिकॉज दिस इज पेट्रोल। बाकी देखते हैं विक्की भाई अपने ऑन इट्स वे टू स्टार्ट द कार। देखते हैं महिंद्रा थार पेट्रोल क्या रंग ला दिखाती है। इसकी तो आवाज तक नहीं आई। पेट्रोल, ओ भाई। और ये होगी स्टार्ट। स्मूथ एंड सेक्सी। विक्की भाई की गाड़ी सेक्सी। तो जी ये भी शुरू हो गई है, वो भी फर्स्ट क्रैंक में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। यहाँ भाई की पजेरो ओवरनाइट स्टार्टेड, और ये अपनी कोहली भाई की इसुजु। तो जी नजारे फुल मजे हैं। इसी के लिए तो आए थे, और यही मिले। सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और आदित्य भाई और गोविंद भाई बर्फ के मजे लेते हुए, इधर बेंजामिन भाई। आपकी गाड़ी स्टार्टेड है? ओ अल्टीमेट। अभी आगे से स्नो नहीं हटाया गोविंद ने बिल्कुल भी है। नहीं, हटाया नहीं। यहाँ पे थोड़ी मस्ती होते हुए जी गोविंद भाई बड़ा कुछ फर्क नहीं, बस हिली थोड़ी बहुत। ओके, बट गाड़ी मूव तो कर रही है। चलो देखते हैं अब, कोई नहीं हम लोग अंदर चलते हैं यार अब, है ना? ये रख दो इसी में, पीछे खोल के नीचे रख दो। ये भाई साहब भी पूरे नजारे लेते हुए। तो अभी बंद करते हैं फिर? हाँ, बंद कर दो, काफी देर हो गई है।
जी स्नो का मजा कुत्ते भी लेते हुए। ये देखो कुत्ते और उनके पिल्ले स्नो का आनंद लेते हुए, ये अंगड़ाइयां लेते हुए हैं जी। भाई साहब फोन पकड़ लेगा एक मिनट में, रोंडा वैसे कुछ से लग गया है। ना ना ये पिल्ले छोटे 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 छोटे, ये कल हमारे रूम के बाहर ही मैट पे सोया हुआ था। तो जी ये है अपना टेंजिन होमस्टे का किचन, ये टेंजिन होमस्टे का किचन है और यहाँ पे सारा खाना वाना बन रहा है। वहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है, वो भी दिखा देते हैं आपको। बुखारी लगी हुई है, इधर तैयारी हो रही है। यहाँ बुखारी लगी हुई है, यहीं पे पानी गर्म हो रहा है सब कुछ, और यहाँ पे सर्व किया जाएगा अभी। अब जाएगी स्कॉर्पियो एंड बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। स्लिप कर रहे टायर थोड़े, पर एचडी टायर है ये देखो उनकी, देखो 2H में है गाड़ी, 2H में नहीं चलती गाड़ी, चलाएगी तो 4 में ही। ऐसे जा रहे थे यहाँ से, अंकुर भाई कहते हैं यार बर्फ पड़ रही है, सनरूफ खोल के मजे लेते हैं, तो हमने फिर ऐसे किया और ये ऊपर से काला क्यों हो गया है? ये ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, इसके पूरे बर्फ ये खोलो। ना 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 भाई खोलो 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 खोलो, बिल्कुल नहीं सारी की सारी। तो जी सनी भाई हमारी गाड़ी के रियर टायर्स में से सारा बर्फ का जो भी क्लॉटिंग हो रखा है वो निकालते हुए, और अभी ये टुकड़ा कम से कम 5 किलो का, ओए होए ये टुकड़ा बर्फ का है ये, ओए होए ये पूरा अभी इन्होंने हथौड़े से निकाला है, मतलब ब्रेक्स की जगह ये काम कर रहे थे फिलहाल। और परली साइड भी दिखा देता हूँ, परली साइड भी ये आप देख रहे हो यहाँ पूरा जाम हो रखा है, आगे इसने गेट को जाम कर रखा है, एलॉयज में भी थोड़ा थोड़ा बर्फ घुसना शुरू हो गया है। और हाँ ये भी अभी निकलेगा हथौड़े से, तो पूरा 5 किलो तो होगा कम से कम ये। तो अभी सनी भाई निकाल रहे हैं, ये ऊपर का हाल है गाड़ी के। तो जी इसके बाद हम लोग ड्राइव पे जाएंगे, एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव तो मुश्किल है इस बार, अगर मोटा मोटा सारा निकल गया तो रहने तो फिर। बड़ा मुश्किल है जी, चैलेंजिंग है ऐसे टेम्परेचर में जहाँ अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। देखो आप अभी भी स्नोफॉल चल ही रहा है, हो नजारे पूरे और तेज हो गया एकदम से। तेज हो गया ना एकदम से, एकदम से तेज हो गया यार स्नोफॉल एक बड़ा तो बोलता था मैं। तो जी अब सनी भैया दूसरी साइड का। तो जी थोड़ा सा पंगा पड़ गया है, वो ये कि ये जो ऑल व्हील ड्राइव खड़ी है यहाँ पे, इसके अंदर स्नो चेन का साइज का इशू पड़ गया है, बहुत ज़्यादा लूज हो रखी हैं जिस वजह से ये बाहर आ जाती हैं इजली। तो पंगा ये है कि बाहर आ जाए तो चलो कोई नहीं, अंदर चले गए तो इसके एक्सल पे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दिक्कत, मोटा खर्चा हो जाएगा। और मेरी वाली गाड़ी में भी सेम इशू आ गया है, बहुत ज़्यादा लूज है और हम लोग को टेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पाया था। ये वाली है जो इस थार का मुझे एकदम ठीक लग रहा है साहब, मतलब वैसे टू बी ऑनेस्ट ये भी थोड़ा सा आउट ही लग रहा है बट लुक्स ओके। यहाँ पे सुरजीत भाई अपनी पर्सनल चेन्स लगाते हुए, तो इन्होंने पहले यूज़ कर रखी हैं ये, तो आई होप कि कोई इशू तो नहीं आना चाहिए गिवन दैट कि टायर साइज सेम रहा होगा। तो बाकी देखते हैं ये दूसरी साइड की चेन इनकी, और ये तो भाई साहब क्या बोलते हैं इसको बिग बॉस, इसमें तो मतलब स्नो चेन चढ़ाना जी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात, तो ऐसा लग रहा है एक नंबर। ये अपनी रघु भाई की गाड़ी, ये भी आई थिंक मैक्सिस ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे।
पैर को कुछ होएगा नहीं। ये लड़के ने आज खुद ही अपनी स्नो चेन इंस्टॉल करी बढ़िया बैठ के। दिल्ली वाले हैं। ऑल सेट। ऑल सेट। ऊपर जाके ड्रिफ्टिंग ट्राई करना है, इसलिए मैंने सोचे लगाई, फिर बाद में याद आया खोल दी। सही है सही है। तो यहाँ पे स्टिल डीबगिंग मोड चालू है। वो तो मुझे चोट से निकलेगा। अभी फिलहाल रिकवरी करने के मूड में है। मूड में नहीं, ऑप्शन ही नहीं। फंस हो गई गड्डी। चलो कोई नहीं। हाँ कुलदीप, चंडीगढ़ की गड्डी है जी, फस हो गई है थोड़ी। टायर तो वधिया ने पर गड्डी फस गई है। नहीं लग रहा ना, इसमें दिक्कत है। मेरी वजह स्टार्टिंग है ना, उसमें भी नहीं था। हमारे पीछे। हाँ हाँ बताओ। चलो उसको पीछे के लगे। पीछे वाला एकदम फ्री हो गया टायर, पर चार बंदे धक्का लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। चलो जी अब चलने का टाइम हो गया और ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर। अब कॉन्वॉय रेडी है चलने को। तो स्नो स्नो हो रखा है और अब स्नो चेन्स लगाई थी हमने, लेकिन वो साइज का थोड़ा इशू आ गया है। ज़्यादा इशू आ गया तो आगे स्नो चेन की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन देखते हैं अब बिना स्नो चेन के कैसे लेके जाएंगे। सो लेट्स गो। ओ ओ ओ ओ ओ अंकुर भाई ज़्यादा ही उधर ले गए। अंकुर भाई ज़्यादा ही उधर ले गए हो। टायर घुमाओ, टायर घुमाओ। अब रिवर्स रिवर्स और जाने दो। अच्छा इस गाड़ी को कहीं साइड पे करें ना, ऐसे गाड़ी बजने का भी तो रिस्क है। मोमेंटम मेंटेन करो, पीछे लेके जाओ थोड़ी सी। हाँ लग जाएगी नहीं तो। हाँ लो में डालो ना। अच्छे टायर के साथ चढ़ी नहीं पड़ी गाड़ी। नहीं इसका 4x4 की मोटर खराब हो गई है। चलो। हाँ बस आराम से जान दो। बस बस स्टीयरिंग पे टाइट कंट्रोल है। बस बस पावर इजी। कट मत और सिंग मत काटो। सीधा कर रहे एकदम सीधा कर रहे। उसको नाम कर दे। पुश 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 पीछे से पुश करना था। जय जय पूरन भाई जी किधर रह गए। फोन कर दिया फोन कर दिया। चलो अब ये पीछे हाँ वो गाड़ी उसके साथ ना वो कर जाए। अरे आगे चले। बस बस चलो घूम गई ना घूम गई ये ठीक है। आप पीछे जाने दो। चल चल आगे चल आगे चल आगे चल चल आगे चल 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 चला। इसमें बोर्ड पे चलाओ गाड़ी अपने आप निकल जाएगी। बस बस आगे बर्फ ज्यादा है
सनी से वो ले आते, उसको निकाल देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बिना रेस के ऊपर उठ भी नहीं रहे ना, लो पे भी, तो फिर हल्की सी तो देनी नहीं, नहीं, नहीं। वो यार बड़े सारे उसमें फैक्टर होता है, टायर का भी चक्कर होता है, बड़े सारे होते हैं, वो ऐसे अंदर बैठा जो उसी को पता चलता है नहीं हो रहा, टायर का भी तो मेन बड़ा चक्कर होता है। निकल जाएगी बाहर से देख लो, मुझे भी ऐसे लग रहा है निकल जाएगी। इधर इधर देखो, उन्होंने मोमेंटम क्या कर रहे थे कब से, स्कॉर्पियन ले ली, स्कॉर्पियन ले ली, स्कॉर्पियन ले ली, कोई नहीं। ये देखो, मैं चाहता था सचिन भाई को मौका मिले, चला मौका नहीं है, सब एक्सपोज हो गया। कितनी बढ़िया, देखें एक बार, ये ऊपर पूरा ही पैर अंदर गया, ये तो शिट भाई, इधर ना घुसना, ये तो कम से कम 3-4 फुट होगी शायद, जैसी है ये स्नो, पैर पूरा अंदर जा रहा है इसमें, पूरा पैर देखो ये गया, ये ऊपर ऊपर ही आ जाओ ओ भाई, तो पूरी टांगे अंदर चली जाएगी, इतनी बर्फ हो रखी है, नज़ारे देख लो जी, ये सीन सपाटे, ओ जी, आगे गाड़ी फंस गई है, कुछ तो हुआ है, पता नहीं, देखते हैं कब तक निकलेंगे यहाँ से। तो ये सीन है जी, ये यहाँ पे हम लोग इस टाइम किसी वैली के अंदर, प्योर वाइट ले लिया था, मारवा दिया बैग में लेके चलेंगे इसको, बैग में जो नहीं शावल निकाल दो, अगले बेर मार, अच्छा कोई टोचन की जगह विंच करो तो नहीं ठीक। मैंने एक बात सुनी है और देखी भी है, थार सीआईडी को रिवर्स में जोर लगाओ, जहाँ उसका एक्सल टूटता है, जहाँ हब टूटते हैं, अच्छा तो घुमा लो तो दूसरा खींचो। मैं तो इजी आ गया, उसमें जोर लगाने वाला था ज्यादा, ये हल्की सी मूवमेंट में ही आ जाएगी, देख लो वो, मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, बला कर रहा था, देखो जी बला, और नहीं नहीं कोई बात नहीं। महंग भाई कुछ बोलना चाहेंगे? भाई क्या बोलना बताइए, नहीं जो परेशानी बन गई है, ज्यादा फंसी है ये, तार घुमाओ, ये नहीं निकलती, गई गई, मेरी बात सुनो, मैक्स टैग एक ही है, लगा लगा टो लगा आगे लिया,
ये ज्यादा है नाली। वो तो टूटना ही था। अंकुर भाई का टूट गया टोस्टर, छोटा टोस्टर। चलो जी। ओ भाई ये तो तारे ही इसको इधर ही छोड़ दो, नहीं तो मेटल है। चलो हम गंदी लेके जाऊंगा ना, याद रहेगा। क्या बात है। चलो जी। तो जी हमारी गाड़ी ऐसी ब्रीच हुई है कि ना आगे जा रही है ना पीछे, और कम से कम 5-6 मारुति ने इस पर ट्राई कर लिया, सब ने ट्राई कर लिया भाई, लेकिन बाहर नहीं आ रही है। तो अभी इसको विंच करना पड़ेगा। तो पीछे ट्राई किया था वैसे, और पीछे ये हाल हुआ है जी। देखो ये कम से कम 6-7 अटेम्प्ट अच्छे खासे मारने के बाद केबल ही टूट गई। तो ये टोइंग हुक है, अभी मैं इसको निकाल के आगे लगाता हूँ, और जो विंच है वो लगा के इसको रेस्क्यू करेंगे, बाहर रिकवर करेंगे। चलिए जी, गाड़ी रिकवर करेंगे। स्कॉर्पियो है अंकुर भाई, जल्दी से वो टोस्टर पकड़ना, उस पे लगा देना अपने हुक पे। यार इनका हां आगे दृश्य करो। आउट। इजी कितना जोर लगाया हमने इस गाड़ी पे, और देख रहे हो कितनी इजीली निकल गई। गाइस ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है आगे, ये क्या स्क्रीन को क्या हो रहा है, इसका ऑन करो वाइपर। चलो चला रही। शिट तूफान भी आ रहा है, लेट हो गए काफी ज्यादा। तो जी एक बार दोबारा अगली सुबह हम लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। इधर दिनेश भाई की गाड़ी रिकवरी करते हुए पजारों को, विंच में कोई शायद से इशू है, वो ठीक कर रहे हैं। चलो जी हम अपनी तब तक स्टार्ट करके गर्म करके गाड़ी को छोड़ देते हैं, ताकि आज फिर इसका वही हाल हो गया, साफ करनी पड़ेगी। ओहो ये तो गेट खोलते ही ऊपर से गिरेगी यार, क्या करा जाए। थोड़ा वाइपर चाहिए रहेगा भाई से, वाइपर लेके आता हूँ, या फिर इधर से निकाल लूँ वाइपर अपना, इधर से निकालते हैं। ओए हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। चलो देखते हैं क्या होता है, पहले तो गिर गई ठीक है, अब इसको फिर से थोड़ी सी, अरे यार ऊपर से गिरेगी यार, ऊपर ले आते हैं यार। गाड़ी फर्स्ट रैंक में तो स्टार्ट हो गई है, बट खांसी करते हुए स्टार्ट हुई, लेकिन अल्टीमेटली स्टार्ट हो गई, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। और ये जी हमने नए अलॉयज लगवाए हैं, ये आपको खरौल बाग में या कहीं नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको स्पीति आना पड़ेगा। ये नया डिज़ाइन है, और ये अच्छी चीज़ इसमें यह है डायनेमिक डिज़ाइन है, चलते चलते ये चेंज भी होते रहता है डिज़ाइन एलॉयज का। तो ये विंटर स्पेशल एलॉयज है जी। ये गाड़ी का हाल है, मैंने वाइपर से काफ़ी क्लीन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो मुझे दिख रही है वो है कि जो इसकी विंडशील्ड है उसके ऊपर यहाँ हार्ड आइस चम गई है पूरी, और ये जो आप देख रहे हो पैच जो हट नहीं पा रहा, ये पूरा हार्ड आइस है, मतलब ये हटेगा नहीं किसी उससे वाइपर से है। तो इंजन गर्म होगा तब पिघलेगा, और वो मैंने डिफॉगर ऑन कर दिया है, स्क्रीन हो सकता है थोड़ी गर्म हो तो तब जाके ये निकले, वो भी बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंदर से आग निकल रही है, बट हौले हौले नीचे आ जाएगा। गाड़ी हमने हीटअप होने के लिए छोड़ दी है। उधर दिनेश भाई आई थिंक कुछ तो डीबगिंग कर रहे हैं, और एक भाई की यहाँ तबीयत भी ख़राब हो गई है, जो वन शॉट में दिल्ली से आए थे कल्पा, तो उनको आई थिंक एक्लेमेटाइजेशन की वजह से इशू आ गया है। तो दिनेश भाई कुछ तो करते हुए देखें क्या क्या चल रहा है यहाँ।
आप जंप स्टार्ट कर रहे हो पजेरो को? बैटरी डाउन थी ना इसकी, तो इसको अच्छा चार्ज कर रहे हैं, डालना तो इंजेक्टर से पानी भी पड़ेगा। तो जी जंपर केबल लगा के जंप स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो पजेरो है काफ़ी पुरानी है और बेचारी ठंडी पड़ गई। हालांकि भाई लगा हुआ था सुबह गर्म पानी ले लेके, लेकिन अल्टीमेटली ठंडी पड़ गई। तो लेट्स सी, हो जानी चाहिए। तो हम लोग निकल चुके हैं, आज हमारा किपर एक्सप्लोर करने का प्लान है। तो ये हमारा कॉन्वॉय है और यहाँ लाइनअप रेडी है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं आज हमें छोड़ के नीचे निकल चुकी हैं, कल्पा साइड या दिल्ली साइड। कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो इस चक्कर में भी बिना कुछ रिस्क लिए वो लोग वापस रिटर्न कर चुके हैं। अदरवाइज़ हम लोग का कॉन्वॉय अभी फ़िलहाल किपर एक्सप्लोर करेगा और देखते हैं और कौन कौन सी जगह हैं। आगे कोई एवलेंच होने का भी नोटिस आया है, तो लेट्स सी आगे क्या बात बनती है। बाकी गाड़ी एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मैं बिना स्नो चेंस के चला रहा हूँ, जस्ट लो टायर प्रेशर पे, क्योंकि सॉफ्ट स्नो है और जो रास्ता बना हुआ है इस पर ट्रैक्शन ओके मिल जा रहा है, मतलब बिना किसी झंझट के गाड़ी में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। स्नो चेन होगी तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं पे अगर दब जाए तो इजीली निकल जाएगी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टुडे। सो अभी हम लोग कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं पीछे, दिनेश भाई लीड कर रहे हैं कॉन्वॉय को। और ये वैली, कल से ऐसा ही मौसम है, कोई धूप नहीं निकली है। हम लोग यहाँ पे कुछ लोग अपना स्नो चेन्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कोई टेढ़ी मेढ़ी या कोई अंदर एक्सल की साइड तो नहीं जा रही है, क्योंकि उस साइड जाए तो दिक्कत आ सकती है, मोटा खर्चा हो सकता है। तो इसलिए तो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है जो स्नो चेन्स लगाई हुई हैं ये सोलंकी भाई की गाड़ी में। और यही है जी, वाइट वाइट एवरीवेयर। ओहो दूर गाँव, यहाँ से कितना अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ओह माय गॉड अमेजिंग। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी पंगा ये पड़ा है कि इतना स्नोफॉल है कि रास्ते बंद हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस एंट्री गेट से पैदल ही वॉक करके स्नो के अंदर की मोनेस्ट्री तक जाएंगे और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करके आएंगे। तो लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। ओह काफ़ी 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 डिफिकल्ट रास्ता है, और मैं स्नो गेटर्स भी भूल गया हूँ, तो मैं अपनी स्नो पैंट्स के भरोसे जा रहा हूँ और उसमें मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं सो दैट कि अंदर कुछ ना जाए। ओ यार हवा बड़ी तेज चल रही है, हवा ना चल रही है, सारा काम सही है। तो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि हो हवा बहुत तेज है, बाद में मिलते हैं।
जी की मोनेस्ट्री सामने दिखने लगी है, लेकिन हवा इतनी 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 तेज है कि कैन बी एक्सप्लेन इन अ वीडियो। मतलब हद तेज हवा चल रही है और हम लोग पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं वहां तक। और ये पीछे हीरो हमारे कुरी साहब, कैसा एक्सपीरियंस? फुल ऑन मजे? जबरदस्त। तो चलो जी, इस जबरदस्त एक्सपीरियंस को और जबरदस्त बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे शूज में ऊपर स्नो पैंट्स के साथ रस्सियां बांध रखी हैं ताकि अंदर ना जाएं। अभी तक तो कंफर्टेबल है, आगे देखते हैं जी। हो एट लास्ट, इतनी लंबी तीर्थ यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच ही गए की मोनेस्ट्री, की गोम्पा। गोम्पा बोलते हैं इधर मोनेस्ट्रीज को। सो बट लकीली स्नो ज़्यादा नहीं था, जो फुटस्टेप्स बने हुए थे ऑलरेडी उनमें पैर रख रख के आए तो मुश्किल से आधा फीट। तो बाकी देखते हैं ऊपर पहुंच के ये सनी भाई मजे लेते हुए, और पीछे अपना कॉन्वॉय। हम इस बार कॉन्वॉय को लीड कर रहे हैं टू व्हील ड्राइव में ऊपर जाते हुए की मोनेस्ट्री को। तो आगे देखते हैं जी। हम लोग की मोनेस्ट्री तक देख के वापस आ चुके हैं, और की मोनेस्ट्री तक रास्ता जो है वो स्नो से भरा हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने राइट जस्ट ऊपर यहाँ पे ही सारी गाड़ियां पार्क करके आई थिंक 1.2 किलोमीटर का स्नो ट्रैक करके हम लोग आगे तक गए। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि स्नो स्टॉर्म चल रहा था, मतलब बहुत तेज हवा और साथ में उड़ रहा था स्नो। सो भाई साहब वो चीज़ और चैलेंजिंग हो गई, और तो इंक्लाइन भी था, बट मज़ा आया। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो आई थिंक सामने की साइड जाने का है। आई थिंक चीचम ब्रिज को रास्ता पड़ता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो तो भाई 4:45 हो चुके हैं। सो आई डोंट नो क्या प्लान्स रहेंगे वापस आने के। ऑल दो कल के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट जो लग रहा है वो ये है कि हम लोग ठीक टाइम के वापस पहुंच जाने चाहिए, अनलेस कि कोई हैवी स्टॉर्म या स्नोफॉल होता है। तो सो लेट्स सी क्या बनता आगे। तो ये गाड़ी के हाल हैं जी, अभी तो इसी को डस्टबिन बना रखा है, घर जाके ढंग से साफ करेंगे, तसल्ली से चमकाएंगे। नीचे पैरों में ऐसे जूतों में स्नो रखी है, अभी ये पिघल चुकी है, अदरवाइज ये पूरे जूते भरे हुए थे, और इसमें तस्मे जो हैं वो पूरी तार बन चुके हैं, मतलब जैसे ये अपनी कॉपर वायर होती है वैसे। क्यों? क्योंकि वो गीली हो चुकी हैं, और फिर वो जो गीली हुई हैं वो हार्ड हो गई हैं। चलो जी आगे चलते हैं, लेट्स सी। एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज। तो यहाँ पे प्रिकॉशन के लिए हम लोग वन व्हीकल एट अ टाइम अटेम्प्ट करेंगे, और कोई भी व्हीकल रुकेगा नहीं अपना ब्रिज पे। एंड टाइम हो गया है शाम के 6:15। होपफुली रिटर्न ड्राइव भी बहुत एडवेंचरस होने वाली है, लेट्स सी व्हाट कम्स अहेड। तो अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे वन बाय वन, एंड देन यहाँ से कहीं से जगह बना के हम लोग यू टर्न लेके
रिटर्न करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो जी आज का दिन काटने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया है और हम लोग कर रहे हैं डिनर यहाँ पे टेंजिन होम स्टे के नीचे किचन के पास जो डाइनिंग एरिया है जहाँ बुखारी लगी है। और देखिए दीदी ने बनाए हैं मोमोज, मोमोज स्पेशली इन स्पीति, और ये मैंने वैसे ट्राई कर लिया, बहुत बहुत स्वाद है, और साथ में फ्राइड राइस। सो शुरू करते हैं जी पेट पूजा। तो भाई साहब सुबह होली है 6:30 और हम लोगों को निकलना है यहाँ से बरोगवन चाट में। बुखारी पे हाथ सेक रहे हैं सारे पर काम नहीं आ रहा, वो क्यों भला, -23 हो रहा है इसलिए। तो देखते हैं आगे का हिसाब कैसा रहेगा, और गाड़ी भी पता नहीं स्टार्ट होती है इजीली या नहीं। यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं सारे, सबने अपना ऑलमोस्ट सारा कुछ पैक कर लिया था रात को ही, ताकि सुबह जो ज़्यादा दिक्कत ना हो। लाइट वगैरह है नहीं, ये कोई रिचार्जेबल बल्ब है उससे काम चला रहे हैं। तो बाकी चाय वाय कुछ भी नहीं आया, अभी देखते हैं कब तक आता है, जैसे ही आता है फिर हिम्मत आएगी थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। ओ भाई, तो गुड मॉर्निंग है जी काजा से। तो हम लोग निकल चुके हैं वापस बरोक के लिए, जो कि अराउंड 13+ hours की जर्नी है। सो स्टॉपेज इज लेक के आई डोंट थिंक कि 16-17 hours से कम लगेंगे। सो अभी भाई लोग सारे अपने चेन्स वगैरह निकाल रहे हैं, बिकॉज जो ये रोड है काफ़ी अच्छा बन गया है, मतलब ग्रिप अच्छा आ गया है, तो लो टायर प्रेशर पे भी अच्छा मतलब ट्रैक्शन बन रहा है। सो थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन भी चल रहा है और हम लोग निकलेंगे। क्या चांसेस हैं स्पीड अप करने के? स्पीड अप करने का चांसेस पूरे, पर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है चलो। सो गाइस लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग ढाबो पहुंच चुके हैं और यहाँ सारे जो हैं अब अपनी हवा यानी कि अपनी गाड़ियों की हवा जो है थोड़ी सी फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि आगे साफ़ रास्ता ही मिलेगा
तो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा लोड भी नहीं आए गाड़ी पे और एवरेज भी अच्छा मिले। तो वो करने के बाद चाय पी के आगे निकलेंगे। आज हमारा प्लान बरोक का है, बरोक टिकाने का गाड़ी को। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मैंने भी वहाँ मशीन लगा रखी है और ये है टाबू मोनेस्ट्री का रास्ता। सो बढ़ते हैं आगे। ये है अपना टाबू में हेलीपैड, पूरा ग्राउंड है। आई डोंट नो यहाँ कभी ज़रूरत भी पड़ती होगी। आई थिंक एमरजेंसीज के केस में पड़ती होगी, जब कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती होगी तो ज़रूर यहाँ से रेस्क्यू करते होंगे, है ना। तो ये इसका हेलीपैड है और आगे लेफ्ट में वही मोनेस्ट्री और ये नज़ारे हैं जी। धूप अच्छी निकली हुई है। दो दिन तक तो भाई साहब मतलब ऐसा था कि सूरज दिखाई ही नहीं दिया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे लिए ही स्नोफॉल हुआ था स्पेशली। नहीं, मैं ये बात हमने डिस्कस की, मैंने और दिनेश ने, अच्छा बोला कि मैं उसको बोला मैं भाई लग रहा है भगवान चाहता था, मैं थोड़ा दिन सही चल रहा है, भगवान सपोर्ट करता तुम्हें। बोला कैसे सही में? मैं देखो सूरज आ गया ऊपर। बोला भाई ये बड़ी बात है कि हम जब आए टाइम पे, दो दिन एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वो मिला। और हम बात भी कर रहे थे इस बारे में ग्रुप पे कि भैया हम जब जाएंगे स्नोफॉल होनी पड़ेगी। हाँ, और सुन ली, जैसे ही हम लोग निकलने वाले हुए इतना प्यारा सनराइज आज देखने को मिला भाई, कुछ फोटोज लिए मैंने। अच्छा, उनको मजा आ गया, मतलब मजा आ गया, मजा तो आ गया, स्वाद आ गया भाई। कल रात को जो स्टॉर्म हमने झेले, कसम से अमेजिंग राइड एक्सपीरियंस था भाई। वो बस घोड़े की तरह चल रहे थे क्योंकि लाइट थी तो साइड में, मतलब इट्स लाइक कि जो कल तक स्ट्रगल किया अभी ये थोड़ा रिवॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। तो जी यहाँ कहीं पहुंच चुके हैं, नाको आने वाला है आगे बढ़ते हुए। मौसम एकदम मस्त। ये दिनेश भाई आगे जाते हुए, बस फटाफट हम लोग फॉलो करेंगे इनको। उधर मेहुल और सोलंकी रुके हुए हैं, नज़ारे दिखाते हैं एक बार यार, ऐसे थोड़ी रुक के थोड़ी कुछ होगा, नज़ारे देखो यार। ओह 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 ओह, हाँ जी वाह जी वाह 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 वाह, नज़ारे देख लो। अरे मौज हो रही है पूरी। आओ थोड़ा देख के लगाओ पहले, वो बड़ी सही जगह देखी थी तुमने।
तो जी मीटर में इस टाइम जो एवरेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 34 की एवरेज, 34। कैन यू बिलीव दैट? कैसे? क्योंकि रीसेट करी है अभी एवरेज और इस टाइम हम लोग पहाड़ उतर रहे हैं, तो भाई साहब इंजन पे जोर ही ना पड़ रहा कुछ, है ना? तो इट इज लाइक फ्री में ऑलमोस्ट, मतलब डबल एवरेज मिल रही है। इसके बाद प्लेन्स पे आ जाएंगे, फिर फर्स्ट क्लास फ्यूल चल जाएगा अपना। हिमाचल में सस्ता मिलता है फ्यूल, हमने यहाँ से फुल करा लिया है,